वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई एम किरण पाटीदार, यूअर मैथ्स टीचर। ओके बच्चों, अवर फर्स्ट चैप्टर इज रिवीजन। इन दिस रिवीजन अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। देखिए बच्चों, काउंट करना है यानी कि गिनना है और बॉक्सेस में हमें फिल करना है। बॉक्सेस, ये जो खाली बॉक्सेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनमें काउंट करके हमें फिल करना है। अब ये काउंट किस अकॉर्डिंग करना है, अब ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर हमें दिया गया है, कुछ डॉट्स दिए गए हैं और उनके अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। अब ये डॉट्स किस अकॉर्डिंग दिए गए हैं, आप पहले समझने की कोशिश करें बच्चों। अच्छा, गिनते हैं कितने बॉक्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस है। अब पहले वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें डॉट की गिनती करते हैं हम कि इसमें डॉट कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स इस वाले यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के बॉक्स में हमें कितने दिख रहे हैं डॉट, 10 10 डॉट सभी बॉक्स में है। लास्ट वाले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम वंस टेंस, हमें इसमें से वंस और टेंस को अलग करना है और इधर दिए जो बॉक्स खाली दिए हैं इनमें फिल करना है और एक नंबर बनाना है। जैसा कि फर्स्ट वाले में बुक ने हमें एग्जांपल में दे रखा है, उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट मीन्स ये जो 10, 10, 10, 10, 10 और ये 10, इन 10 को हमें गिनना है। कितने टाइम है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम। मीन्स टेंस कितने टाइम आ रहा है हमारे पास में, 6 टाइम आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट वाला बॉक्स बचा है वो वंस के लिए है, क्योंकि अगर ये पूरा फिल होता तो ये तो टेंस में ही आ जाता हमारे पास में, तो यहाँ पर कितने टेंस हो जाते, हमारे पास 7 टेंस हो जाते। बट इसमें क्या है, ये वंस के प्लेस पर है, इसमें पूरा कम्प्लीट नहीं है। हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वंस की प्लेस में क्या लिखा है बच्चों, 7। तो टेंस कितने हो गए यहाँ पर, 6 टेंस हो गए। मीन्स 60 और 7, 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखते हैं हम, ये 10 के बॉक्सेस कितने हैं हम गिन लेते पहले तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 जो बॉक्सेस है हमारे पास में वो टेंस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। ओके बच्चों, और जो लास्ट वाला बॉक्स है वो पूरा खाली है, तो वंस के प्लेस पर हमें, मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, मीन्स क्या होता है, 0। तो वंस के प्लेस पर हमें लिखना है 0। इट मीन्स ये नंबर क्या बनेगा हमारे पास में, 9 10 है, मीन्स 90 है और 0 वंस है, तो 9 0 90। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे टेंस के कितने बॉक्स हैं हमारे पास में और फिर वंस वाले बॉक्स में कितने डॉट बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 टेंस है बच्चों हमारे पास में, 5। अच्छा, 5 टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे मैं गिन के काउंट करके एक बार बता देती हूँ। 5 टेंस मीन्स होता है 50। अब यहाँ हम डॉट गिनते हैं कि क्या ये 50 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है बच्चों, ये 50 टेंस मीन्स होता है 50। और वंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 50, 6। ओके बच्चों, क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो बाकी का बचा हुआ है ये मैं आपको PDF सेंड करूंगी, उसमें आपको ये होमवर्क में ओनली ये जो टेंस और वंस लिखा है और ये जो नंबर वाला बॉक्स है ये पूरा फिल करके होमवर्क में सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 8, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, एक तरफ हमें नंबर्स दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें दे दी गई है नंबर्स नेम। नंबर्स नेम मीन्स बच्चों होती है स्पेलिंग, आप कंफ्यूज ना हो, जब मैं नंबर्स नेम बोलूँ उसका मीन्स होता है स्पेलिंग। 2, 4, 24
यहाँ से एक एग्जाम्पल दिया है और एक लाइन ड्रॉ करके बताई गई है हमें 24. इट मीन्स नंबर को उसके नंबर नेम से मैच करना है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 36. 36 इस लाइन में कहाँ है हमें देखना है, ये रहा. तो इसको क्या करना है, यहाँ से तो यहाँ पर मैच कर देना है. ठीक है बच्चों, ये पूरी बहुत ही सिंपल सी एक टास्क है जो आप आसानी से कर सकते हैं. 5959, 8282, 9797. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. राइट मीन्स लिखो, द नंबर्स मीन्स ये जो नंबर हमें दिए गए हैं, इन वर्ड्स मीन्स स्पेलिंग इनकी लिखनी है. फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है 5454. 54 क्या होता है, 54 होता है. मैंने आपको शायद PDF भी सेंड किए हैं नंबर और नंबर नेम्स के, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं. और आपको 1 से लेकर तो 100 तक के नंबर्स की स्पेलिंग आनी चाहिए बच्चों, सभी बच्चों को. 6 क्या होता है, 66, SIXTY 66. ओके बच्चों, ये जो टास्क है ये आपको होमवर्क में मिलेगी, आपको ये बैठ करके कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत ही सिंपल है और ये चीजें सब आपको आती है. ओके, नेक्स्ट पेज है बच्चों, पेज नंबर नाइन पर है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. टिक यानी कि टिक लगाना है, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट यानी सही ऑप्शन, सही जो आंसर है उसके ऊपर हमें टिक करना है. हाउ विल यू राइट 89 इन फिगर्स. हाउ यानी कैसे, विल यू राइट लिखोगे 89 इन फिगर्स, मीन्स यहाँ पर स्पेलिंग दी है और उसके नंबर को हम कैसे लिखेंगे, EIGHTY 89. अब 89 कैसे लिखते हैं, ये क्या है, 809, ये तो 809 बन गया है, नहीं है ये 89, ये क्या है 98 है. अब 89 पूछा है तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 8989. ठीक है बच्चों, सेकेंड है हाउ विल यू राइट 60 इन फिगर्स. हाउ विल यू राइट 60 का नंबर बताना. अब हमें यहाँ पर यहाँ लिखा है 06, यहाँ लिखा है 60, यहाँ लिखा है 600, तो 60 क्या हो जाएगा बच्चों, 6060. ओके नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर 99. व्हाट यानी क्या, कम्स यानी आता है, आफ्टर मीन्स होता है बच्चों बाद में, आफ्टर बिफोर बिटवीन, ये नंबर सभी आपको आने वाले हैं वहां पर, इनको आप और अच्छे से समझेंगे. और ये आपको फर्स्ट में भी आए थे, बिफोर मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद में. व्हाट कम्स आफ्टर 99, 99 के बाद में कौन सा नंबर आता है जो नीचे दिए गए हैं, जो नंबर आता है सही वाले पे हमें टिक करना है. ठीक है, तो 99 के बाद में क्या 98 आता है, 98 तो उसका भी फोन नंबर है. 99 के बाद में क्या 99 आता है, नंबर्स के बाद में नंबर कभी नहीं आता है. 99 के बाद में क्या आता है बच्चों, 100. ठीक है, तो जो हमने 100 पर टिक कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन फिगर्स. 61, SIXTY ONE. इन किस क्वेश्चन में क्या करना है, स्पेलिंग दी है और उनके सामने उनके नंबर को हमें लिखना है. 61 उन्होंने लिख दिया है. नेक्स्ट है NINETY 90 FIVE 95. कितना होता है आपको पता ही है, आपको 1 से 100 तक के अच्छे से नंबर्स भी आते हैं और उनकी स्पेलिंग भी हमें अच्छे से लर्न करनी है अगर नहीं आती है तो. नेक्स्ट है 84, EIGHTY FOUR. आप इसी तरह से नंबर की स्पेलिंग पढ़े बच्चों ताकि आपको ये अच्छे से लर्न रहे, माइंड में रहे. 78. ओके बच्चों, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 29 79 54 67 एज इट इज, ये वाली लाइन में भी हमें नंबर्स की स्पेलिंग दी है, हमें यहाँ पर इनके सामने इनके नंबर लिखने हैं. ठीक है बच्चों, ये टास्क हम होमवर्क में करेंगे, या अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक भी फिल कर सकते हैं और इमेजेस सेंड कर सकते हैं. ओके बच्चों, द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 10. द क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्स विद सूटेबल नंबर. यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे दिए हैं और यहाँ पर बोल दिया गया है कि बॉक्सेस को फिल करो
सुटेबल नंबर, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग हमें बॉक्सेस को फिल करने। 21 इज जस्ट आफ्टर 20। देखिए बच्चों, से पहले हम ये वाला पेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 11। ओके फाइन, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 85 के सामने वाला बॉक्स खाली है, मीन्स कि 85 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 84 आता है, ये उन्होंने फिल करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए छोड़े उन्होंने 38 के जस्ट बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, आप चाहो तो यहाँ ऐसे अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं, 38 के पहले जस्ट बिफोर क्या आता है, 38 के जस्ट बिफोर हमें नंबर्स अच्छे से मालूम है, 38 के जस्ट बिफोर आता है 37। इज इट इज 48 के जस्ट बिफोर क्या आता है बच्चों, 47। 29 के जस्ट बिफोर 28, बिफोर मीन्स होता है पहले। 32 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 31। 56 के जस्ट बिफोर आता है 55। 67 के जस्ट बिफोर आता है 66। 26 के जस्ट बिफोर आता है 25। 72 के जस्ट बिफोर आता है 71। 66 के जस्ट बिफोर आता है 65। 76 के जस्ट बिफोर आता है 75। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच वाला नंबर, बीच में, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। 29 और 31 के बीच में क्या है, जैसे यहाँ बॉक्स दिया है तो 29 के बाद में आता है 30 और उसके बाद में 31। एज इट इज 24 बॉक्स खाली 26, 24 और 26 का बिटवीन नंबर कौन है, तो हमें पता है 24 और 26 के बीच में क्या आता है 2525। 32 और 34 का बिटवीन नंबर क्या बनेगा, 32 के जस्ट बाद आता है 33, तो ये 33 इज बिटवीन नंबर ऑफ 32 एंड 34। 40 और 42 के बीच में क्या आता है 41। ठीक है, जस्ट बिफोर मीन्स होता है पहले, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, और नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके जस्ट आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बच्चों बाद में, बाद में क्या आता है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है। 36 जो है इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है, 36 37 37। इस तरह से जब आप नंबर्स बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर आपके माइंड में जो है वो निकल कर बाहर आएंगे। 2727 के जस्ट बाद क्या आता है, 2828। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है कि बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ओके, अब हम इस पेज पर देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 10 पर। 21 इज जस्ट आफ्टर 20, 21 20 के जस्ट आफ्टर में आता है। एज इट इज 58 इज जस्ट आफ्टर, 58 जो नंबर है वो कौन से नंबर के जस्ट आफ्टर आता है, तो 58 के जस्ट पहले क्या आता है, 57। इसी तरह से नेक्स्ट है 71 इज जस्ट आफ्टर, 71 किसके बाद में आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 70 के बाद में आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने, इधर वाला नंबर हमें दे दिया है और इधर वाले नंबर को स्केप कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इज जस्ट आफ्टर 88, यहाँ जो नंबर आएगा वो यहाँ वाले नंबर से 1 डिजिट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, मीन्स 89 इज जस्ट आफ्टर 88, 89 88 के जस्ट बाद में आता है, इसका मीन्स ये निकलता है यहाँ पर। ब्लैंक स्पेस इज जस्ट आफ्टर 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 73 इज जस्ट आफ्टर 72। दिस इज वेरी सिंपल टास्क स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इज जस्ट आफ्टर 23 के जस्ट, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो 23 के जस्ट आफ्टर में आता है, तो वो हो जाएगा 24। बच्चों इसी प्रकार इधर वाली जो रो है, यहाँ पर जैसे था इज जस्ट आफ्टर, इधर वाली रो में आपको क्या दिया है, इज जस्ट बिफोर 82 इज जस्ट बिफोर 83, 82 83 के जस्ट पहले आता है। ठीक है, यहाँ जो नंबर आएगा वो छोटा नंबर होगा और इधर वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा। इज जस्ट बिफोर 49, 49 के जस्ट बिफोर कौन होगा, 48। एज इट इज 79 इज जस्ट बिफोर 79, 78 इज जस्ट बिफोर 79।
ठीक है बच्चों, ये मैंने फिल कर दिए बच्चों। 37 इज जस्ट बिफोर 38, 38 के जस्ट बिफोर कौन होगा 37, एज इट इज 23 इज जस्ट बिफोर 24, 29 इज जस्ट बिफोर 30, 88 इज जस्ट बिफोर 89, 15 इज जस्ट बिफोर 16, 99 इज जस्ट बिफोर 100, 70 इज जस्ट बिफोर 71, एज इट इज पूरी रोक में हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल नंबर्स, इस टाइप से इस जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और बिटवीन का यूज करते हुए हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक स्पेस कम्स आफ्टर 84 बट बिफोर 86। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 85 कम्स आता है आफ्टर 84। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, 85 84 के बाद में आता है, बट मीन्स होता है पर, बिफोर 86 पर 86 के पहले आता है। तो क्या ये बात सही है? सही है। जो 85 है वो 84 के तो क्या आता है, बाद में आता है 85, और 86 के क्या आता है, वो पहले आता है। ठीक है, इस तरह से जो 85 है वो 84 के बाद में आता है और 86 से पहले आता है। यही बात इस फिल इन द ब्लैंक्स में बताई गई है। सेकंड है 49 कम्स आफ्टर 48। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, सॉरी मैंने फिल कर दिया इसको। 49 कम्स बट बिफोर 50। 49 जो है वो किसके बाद आता है, 48 के बाद आता है, बट बिफोर 50 हमें पता है 49 50 के पहले आता है। थर्ड 67 कम्स इन बिटवीन 67, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। 67 किन दो नंबर्स के बीच में होता है, 66 एंड 68। देखते हैं यहाँ पर 66, 67, 68, ये इसका क्या हो गया, बिटवीन नंबर हो गया। यहाँ पर देखते हैं फोर्थ ब्लैंक स्पेस कम्स आफ्टर 29। कौन नंबर है जो 29 के आफ्टर यानी कि बाद में आता है, तो 29 के बाद में क्या आता है 30। फिफ्थ 74 कम्स बिफोर, 74 कम्स बिफोर, 74 किस नंबर के पहले आता है 75। ओके स्टूडेंट्स,